घुरजला तुम घरों है पर आपने ये बिथुआ की सब्जी खा रखी है कि नहीं खा रखी? हरियाली दिखाई दे रही है, बढ़िया हरी भरी। चारों तरफ देवताओं के मंदिर है। मंदिर के नाम पर यहाँ पर धागो बांध देते हैं जिसको लिसान बोलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। और मेरा नाम है प्रकाश सिंह महर और मैं आ रखा हूँ आज अपने खेतों में। और खेतों से बिथवा लेने के लिए आ रखा हूँ और दो थैलियाँ लेके आ रखा हूँ और मुझे फुल करना है ये। और बिथवा इन खेतों से ही निकालना है मुझे छांट छांट के। बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है मुझे लग रहा है आज। बढ़िया हरी भरी। ज़्यादातर साग सब्जी हम घरों में ही उगा लेते हैं और यहाँ से दूर भी पड़ जाता है हमारा, 50 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से, मार्केट पड़ती है। और वहाँ से जब यहाँ आता है तो फ्रेश सामान नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से घरों में ही साग सब्जियाँ उगा लेते हैं हम लोग। और खेतों का नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा, हरियाली दिखाई दे रही है। अभी तक बिथुआ की सब्जी मैंने इतनी इकट्ठा कर ली है। और आपने ये बिथुआ की सब्जी खा रखी है कि नहीं खा रखी है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। अभी तो बिथुआ मैंने थोड़ा सा इकट्ठा कर रखा है, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। थोड़ा बहुत इधर से निकालता हूँ मैं। और पहले के टाइम में तो गाँव घरों में तो यहाँ से रोड भी नहीं थी पहले के टाइम में, और यहाँ से लोग मार्केट भी नहीं जा पाते थे, पैदल ही चलना पड़ता था यहाँ से, 50 किलोमीटर पैदल चलते थे। अभी के टाइम में तो कुछ कुछ जगह पर मार्केट से लेके आते हैं। और पहाड़ की खासियत ये है कि पहले के टाइम में जो हमारे दादा परदादा थे, मार्केट से पॉइजन वाली होती है जो सामान होता है उसको बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते थे। अभी तो पहाड़ी लोग ज़्यादातर यंग रहते थे और लॉन्ग लाइफ जीते थे। पहले के टाइम में घर का ही खाना इतना तगड़ा था कि लोग बीमार भी नहीं होते थे यहाँ से, लगा लो आप। एक खेत से तो मैंने इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है, वैसे लगभग भरी ही है, इस थैली में भी इकट्ठा करना है। और मुझे आराम से पैर रखने पड़ेंगे। सरसों की खेती भी कर रखी है, सरसों के जो पौधे हैं टूट ना जाए वो मेरे पैर से। खेतों में बकरियां भी गुजारे और मैं बकरियों को भगा के आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देवी देवता के मंदिर भी हैं और इन मंदिरों में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंदिर है ये। आप कुछ भी मन्नत मांगते हैं तो आपकी मन्नतें यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। वहाँ पर एक शिवलिंग है, रावण ने शिवलिंग को नीचे रखा था उस टाइम में, ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हो गया था। और हर साल यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा होती रहती है और जो शिवलिंग है दोस्तों हर साल वो बढ़ते रहता था। अभी पहले तो बहुत ही छोटा था, अभी तो बहुत ही बड़ा हो गया। फिर उस शिवलिंग की हर साल पूजा होती रहती है, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। और दो थैलियाँ मैंने भर ली हैं और मैं अब निकलता हूँ अपने घर की तरफ को। तो लग जा मना हल जा, घर की तरफ जा रहा था और दोबारा ये बकरियाँ और खेतों में आ गई हैं। तुम घुर जला है, तुम हट हट, भाग भागो, घुर जला तुम घरों है। और आज तो मजा आ जाएगा, गोद की दाल बनाएंगे और बिथुआ का टपका बनाएंगे जिसको हिंदी में सब्जी बोलते हैं। और हाथ मेरे गंदे हो रखे हैं, थोड़ा हाथ धो लेता हूँ। हाँ सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया तो जेब में मेरा बिस्किट पड़ा था, खा। पहुंच चुका अपने घर और सब्जी को धो देता हूँ। और सब्जी मैंने कर दी है धुलाई, तो बनाएंगे नहीं अभी, कटी का खाना तो बन गया है अभी। ये हमारे आमा बैठ रखे है, फटाफट मैं करते तो अपने जूते धुलाई, वो भी अच्छी खासी आ रखी है अभी। करते हैं धुलाई और सुखाने के लिए मैं धूप में रख देता हूँ इनको। मैं बना रहा हूँ अभी चटनी, हरी मिर्च हो गई है, प्याज हो गया और हरा धनिया, और उसके बाद टमाटर की चटनी, और यह सिल पट्टा इसमें पीस देता हूँ चटनी को। चटनी बनके हो गई है तैयार। और घर के कामों में थोड़ा हाथ बटाने से मम्मी का काम भी थोड़ा हल्का हो जाता है। चलो दोस्तों मैं खाना खा लेता हूँ। प्यारी प्यारी चटपटीदार चटनी है और ये सब्जी है और ये मिक्स दाल में रखी है, और उसके बाद ये है दही छांस, ये है छांस। मैं धूप सेक रहे थे आमों को, मैंने जबरदस्ती डांस करवा दिया आज ये।
वक्त हो चुका है और मैं आ रखा हूँ थोड़ा घूमने के लिए स्कूल की तरफ, और अभी चांद भी दिखाई देने लग गया। का वक्त हो चुका है और लोग अपने अपने कामों से वापस जा रहे हैं घर को। गांव में ज़्यादातर मकान दूर दूर रहते हैं तो हाथों तक इशारा ही होता है, हेलो इशारा विशारों में बात होती है दूसरे। और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ को, और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा एक कमेंट भी करें भाई के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।